आम आदमी पार्टी के गुजरात सह प्रभारी और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा इन दिनों गुजरात दौरे पर हैं। राघव चड्ढा ने गुजरात में एक बार फिर राज्य की बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। राघव चड्ढा ने कहा कि गुजरात के 6.5 करोड़ लोग महंगाई से लेकर बेरोजगारी भ्रष्टाचार से परेशान हैं। गुजरात में 27 साल से भाजपा ने कोई खास विकास नहीं किया है, साथ ही उससे पहले कांग्रेस ने भी गुजरात में विकास कदम नहीं उठाए हैं। राघव चड्ढा ने गुजरात के लोगों से आगामी चुनाव को लेकर अपील की है कि कांग्रेस को 35 साल और भाजपा को आपने 27 साल दिए, एक बार आम आदमी पार्टी को मौका देकर देखिए और पंजाब और दिल्ली जैसे विकास कार्य हम गुजरात में भी करेंगे। पिछले 27 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, भाजपा की अहंकारी सरकार ने अमरेली जिले में एक भी हाई स्कूल नहीं बनाया, एक भी कॉलेज नहीं बनाया, एक भी सिविल अस्पताल नहीं बनाया और इस जिले को ऐसा लगता है कि जानबूझकर पिछड़े से पिछड़ा रखा गया। आज अमरेली जिले की हालत यह है कि अगर यहां पर किसी नागरिक को एक्सरे जैसा मामूली सी जांच भी करानी होती है तो उसे राजकोट जाना पड़ता है। एक भी कॉलेज और एक भी हाई स्कूल गुजरात सरकार का अमरेली जिले में नहीं है। पानी की भयंकर समस्या है, 3-4 दिन में एक बार पानी आता है, वो भी बिना बताए आता है, कभी भी आ जाता है, कोई निर्धारित समय नहीं है। और उसी के साथ साथ इकलौता ऐसा जिला है गुजरात का जहाँ की आबादी, जहाँ की पॉपुलेशन, जहाँ की जनसंख्या साल दर साल घटती जा रही है बढ़ने की बजाय, क्योंकि लोग अमरेली ज़िले को छोड़ छोड़ कर अमरेली ज़िले से पलायन करके दूसरी जगह जा रहे हैं। ना रोज़गार है, ना इंडस्ट्री है, बुरी से बुरी हालत है। ऐसा लगता है कि अमरेली ज़िले ने तो बड़े बड़े नेता, मंत्री, चेयरमैन, विधायक, सांसद गुजरात को दिए, लेकिन उन मंत्रियों ने, नेताओं ने, सांसदों ने अमरेली ज़िले को कुछ नहीं दिया। सौराष्ट्र के साथ जो सौतेला व्यवहार भाजपा की 27 साल की अहंकारी सरकार ने किया है, उस सौतेले स्वराष्ट्र के जो भाजपा ने बनाया, उसको उसका सौतेलापन समाप्त करके उसे अपनाने का और ताबड़तोड़ विकास कार्य करने का काम आने वाली अरविंद केजरीवाल जी की सरकार गुजरात में करेगी। इसी के साथ साथ यहां पर किसानों की समस्या है, जिन्हें ना पानी बिजली मिलती है, ना MSP मिलती है। जंगली जानवरों की समस्या है, जिन्होंने यहाँ पर जीवन को, सामान्य जीवन को एक प्रकार से हिला रखा है। और इसी के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर तो यहाँ पे लोगों के साथ धोखा हुआ है। सड़क नज़र नहीं आती, सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे नज़र आते हैं। अमरेली को जितना पीछे रखा गया, वो देखकर, लोगों से बात कर, लोगों से संवाद कर, मैं बस इतना ही अमरेली के लोगों को आश्वासन देना चाहता हूँ कि जैसे दिल्ली के लोगों ने, जैसे पंजाब के लोगों ने दशकों पुरानी परंपरागत पार्टियों के शासन को उखाड़ फेंका और एक नई राजनीतिक शक्ति, एक नई पार्टी, आम आदमी पार्टी को मौका दिया, ऐसे ही आप भी एक मौका अरविंद केजरीवाल जी को देकर देखें। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि एक बार नहीं, आप बार बार आम आदमी पार्टी को ही वोट देंगे, आम आदमी पार्टी को ही मौका देंगे। ऐसा काम हम अमरेली जिले में और पूरे सौराष्ट्र के इलाके में करके दिखाएंगे। जो भाजपा ने सौतेला स्वराष्ट्र बना दिया था, उसे अमारो स्वराष्ट्र बनाने का काम आम आदमी पार्टी करेगी। सर, पिछले कई सालों का, सरकारों का अगर आप आंकड़े उठाकर देखें तो आपको ये पता लगेगा कि गुजरात में पिछले 27 साल से तो भाजपा की सरकार है, 27 साल से पहले करीब करीब 35 साल कांग्रेस की सरकार रही। यानी कि 35 साल गुजरात के लोगों ने कांग्रेस पार्टी को दिए, 27 साल गुजरात के लोगों ने भाजपा को दिए, यानी कि 62 साल से 35 जमा 27, 62 साल से ये दोनों पार्टियां मिलके गुजरात को बर्बाद करने पे लगी हुई। पर क्या इन लोगों ने अमरेली जिले के लिए या गुजरात के लिए कुछ काम किए? आपकी जिंदगी बेहतर हुई क्या? आपको मुफ्त बिजली मिलती है क्या? आपको बढ़िया मोहल्ला क्लिनिक मिलते हैं
क्या आपको 24 घंटे बिजली मिलती है, क्या आपको 24 घंटे पानी मिलता है, क्या आपको विश्व स्तरीय इलाज मिलता है, क्या आपको मुफ्त ऑपरेशन मिलते हैं, क्या बुजुर्गों को मुफ्त तीर्थ यात्रा मिलती है, क्या युवाओं को रोजगार मिलता है, क्या दिया इस 62 साल की भाजपा कांग्रेस के शासन। जब ये 62 साल में ये पार्टियां आपकी जिंदगी बेहतर नहीं कर पाई, आपको गरीबी से नहीं निकाल पाई, तो ये आने वाले समय में भी आपके लिए कोई काम नहीं करेंगी। इसीलिए मेरी हाथ जोड़ के आप सबसे विनती है, जब 35 साल कांग्रेस को दे दिए, जब 27 साल भाजपा को दे दिए, अब 5 साल अरविंद केजरीवाल को देकर देखिए, 5 साल सिर्फ 5 साल आम आदमी पार्टी को देकर देखिए, एक मौको केजरीवाल ने, एक मौका अरविंद केजरीवाल जी को देकर देखिए। अगर 5 साल में हमारा काम नहीं पसंद आए तो भले ही अगली बार शायद वोट ना दीजिए, लेकिन एक मौका हमें भी देकर देखिए, एक बार हमें भी आजमा कर देखिए। जैसे और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।